मुकर्रर वो नहीं जो जज्बाती और ज़हनी तौर पर आपको मुतासिर करते हैं, आपको कई बार सही रास्ते से दूसरे रास्ते की तरफ ले जाते हैं, बल्कि ये एक बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ही वेल वर्स्ड, वेरी आई मीन वेरी एजुकेटेड, डीपली नोइंग अबाउट द फील्ड ऑफ लाइफ। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेंटर इन द सिटी, इन शहर के मुख्तलिफ इदारों में हुसैनी साहब बहुत सारे इदारों में, स्कूल में, हायर एजुकेशन में, कॉलेज में मेंटरिंग का सेशन करते हैं, करियर के बारे में बताते हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि उनका ज़ोरदार आप तालियों से इस्तकबाल करें। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप स्टूडेंट्स के साथ अपने सेशन की शुरुआत करें। लुक्मान हुसैनी साहब, DSW टीम के तमाम मेंबर्स और गेस्ट स्पीकर्स जो यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं आज, और माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। सर जो है मेरा इंट्रोडक्शन दे रहे थे और मेरी नज़र आप पर थी, मुझे एक व्हाट्सएप पे दौरा करता हुआ जोक जो है याद आ गया अचानक से, तो हम जोक से जो है शुरुआत करेंगे अपने डिस्कशन की। तो एक स्टूडेंट भरी बारिश में अपने स्कूल को जाता है और दो चार बच्चे बस रहते हैं वहाँ पर, तो उस्ताद बोलते हैं कि जो है अरे क्योंकि आप लोग बहुत कम हैं, बारिश की वजह से नहीं आए, लिहाजा हम आज की क्लास मुलतवी करते हैं, सो क्लास कैंसल्ड। तो एक स्टूडेंट बोलता है जो दूर से आता, वो बोलता है कि जो है हमारे पास 15 गाय हैं और हम जब चारा लाते हैं तो कभी कभी गायें सुस्ताती रहती, एक आध गाय सामने आ जाती, तो हम क्योंकि एक ही गाय आई है चारे से हम उसको नहीं रुकाते, हम चारा उसे डालते हैं, तो लिहाजा क्योंकि अब मैं अकेला हूँ, हम तीन हैं, तो आप जो है रुकिए मत, हमें पढ़ाइए। तो उस्ताद बहुत खुश होते इस मिसाल से और बहुत अच्छा लेक्चर देते हैं, बड़ी देर तक लेक्चर देते हैं। तो जब लेक्चर ख़त्म हो जाता तो बच्चा बोलता कि उस्ताद हम उस गाय को चारा खिलाते हैं लेकिन 15 गाय का चारा नहीं खिला देते। तो मैं आपको ज़्यादा देर तक जो है बोर नहीं करूँगा, अगर आप बोर होंगे तो चलिए बिस्मिल्लाह। तो ये आपका इंडक्शन प्रोग्राम है, ओरिएंटेशन डे प्रोग्राम है, खुशामदीद आप सबके लिए, वेलकम। और मुझे अंदाज़ा है अभी पता चला सर से कि 5 दिन से ये प्रोग्राम चल रहा है, तो बहुत मुमकिन है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स उकता गए होंगे। कभी कभी क्योंकि स्पीकर्स एक दूसरे के स्पीचेस नहीं सुनते, वो रिपीटेटिव पॉइंट्स जो है आपके सामने रखते हैं, और क्योंकि आप न्यू कमर्स हैं, फ्रेशर्स हैं, तो मेरा ऐसा गुमान है कि एक 15-20% स्पीचेस में आपको जो एडवाइजेज मिली होंगी वो सिमिलर ही होंगी, ऐसा है या नहीं है? यस नो यस, वो आप समझिए कि वो जो है अल्लाह ताला की तरफ से एक मशक हो रही है आपके लिए। इम्पॉर्टेंट चीज़ें जितनी बार बताई जाएं उतना ज़्यादा आसानी से आपके जहन में रहेंगी, तो इसको आप समझिए कि जो है ये क्योंकि ज़रूरी था इसलिए जो है अल्लाह ताला आपके सामने इतनी बार इसको जो है मुख्तलिफ लोगों से बोलने लगाया है। हो सकता है कुछ बातें मैं भी फिर रिपीट कर दूँ। सो हॉल वॉज एक्सपेक्टेड टू बी फुल बट वेरी फ्यू ऑफ यू आर हियर, लेकिन एक बात समझिए आप, मैं स्टूडेंट्स को जब गाइड करता हूँ तो पिरामिड मेरा फेवरेट जो है डिज़ाइन है, ट्रायंगल। यहाँ पर भी मैं देखा बैठे बैठे कि ट्रायंगल यहाँ पर उतरा हुआ है। तो हमारी सोसाइटी में अगर हम देखें तो मुख्तलिफ लेवल्स हैं, ठीक है, डिफरेंट लेवल्स आर देयर एंड दीज लेवल्स कैन बी पुट इन टू द शेप ऑफ ए ट्रायंगल। आप इमेजिन कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास बोर्ड और मार्कर नहीं है, आप इमेजिन कीजिए, आई एम श्योर यू कैन इमेजिन। तो इमेजिन कीजिए कि इस ट्रायंगल में 3 लेवल्स हैं, टॉप, मिडिल एंड बॉटम लेवल। अगर हम इस ट्रायंगल में लोगों को भरना शुरू करें तो आप बताइए अंदाजे के साथ, इमेजिनेशन के थ्रू, कि कौन से हिस्से में ज़्यादा लोग आएंगे? वेल द गेस इज़ वेरी नेचुरल एंड सिंपल, द बॉटम लेवल। अभी सर बता रहे थे कि कल्चरल इवेंट अगर हो तो हॉल फिल हो जाता है, तो जब बॉटम लेवल का हिस्सा है यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा लोग मिलेंगे, और उसके ऊपर वाला लेवल होता है मिडिल लेवल, यहाँ पर उससे कम लोग मिलेंगे, और फाइनली जो टॉप लेवल है उसमें बहुत कम लोग होंगे। अब आप हर लेवल के फिर तीन तीन हिस्से करते चले जाएं,
तो इस तरह से हमेशा बॉटम लेवल में आपको जो है ज़्यादा लोग मिलेंगे, यानी कि ज़्यादा जो है पॉपुलेशन वहाँ पर होगी। ये कुदरत का निज़ाम है। लीडर्स, हाकिम जो होते हैं वो माइनॉरिटी में ही होते हैं, यानी कि कम से कम ही होते हैं, और मेजॉरिटी हमेशा जो है फॉलोअर्स की हुआ करती है। तो आप इस बात से अपने आप को तसल्ली दे सकते हैं या खुश हो सकते हैं कि क्योंकि आप बहुत कम हैं, और मैं अज्यूम कर रहा हूँ, मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि आप अब तक भी जो है विकेट पर हैं, ठीक है, ये 45वां ओवर चल रहा है और आप अब तक विकेट पे हैं, 5वां दिन है, तो मेरा ऐसा गुमान है आप लोगों के ताल्लुक़ से कि आप लोग जो है बहुत सीरियस कैंडिडेट्स हैं, सही है, ऐसा है ना? चलिए माशाल्लाह, बहुत खूब। तो मेरा गुमान है कि आप लोग बहुत सीरियस कैंडिडेट्स हैं, तो मैं तसव्वुर कर रहा हूँ कि आप लोग उस पिरामिड के उस ट्रायंगल के ऊपर के हिस्से में जाने वाले हैं इंशाल्लाह ताला, और वहाँ पर जो है काउंट हमेशा कम ही रहती है, लेकिन उसके लिए हमको उसके काबिल बनना चाहिए। कुछ चीज़ें मुकद्दर से मिल जाती हैं, एक्सीडेंटली, हादसतन, बाई चांस मिल जाती हैं कुछ चीज़ें। अब हमको जो है हमेशा उस चांस का फ़ायदा उठाते हुए, उस मौक़ों का फ़ायदा उठाते हुए, उन एक्सीडेंट्स का फ़ायदा उठाते हुए हमेशा हमें उससे सबक हासिल करना चाहिए और हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। अब ये बोल देना बहुत सिंपल है और अक्सर हम सुनते हैं, बोलते हैं इस तरह की बातें, लेकिन किस तरह से किया जाए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम जो है एक्टिविटीज़, एक्शंस के ऊपर जो है फोकस करेंगे। एक तो फिलॉसफी है, फिलॉसफी ये है कि जो है आप हमेशा चलते रहिए, हमेशा कोशिश करते रहिए, इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे, ये एक फिलॉसफी है अच्छी। लेकिन किस तरह से जो है हम अपना क्या कहते हैं उसे स्टेमिना को मेंटेन करें, बरकरार रखें, और किस तरह से जो है आगे बढ़ते जाएं, इसके लिए कौन सी चीज़ों की जो है हमें ज़रूरत है, हम उन चीज़ों पे जो है उस पहलू पे जो है आज तवज्जो देंगे इंशाल्लाह ताला। आप बताइए मुझे कि अगर कामयाब आपको होना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है जो आपको अपने अंदर रखनी चाहिए, अपने अंदर जो है डालनी चाहिए या आपको फॉलो करना चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कैन समबडी मेक ए गेस? कामयाब अगर आपको होना है तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है आपके लिए? टाइम मैनेजमेंट, चलिए बहुत खूब माशाल्लाह। आप कुछ बता रही हैं? सेल्फ डिसिप्लिन, कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंस, वेरी गुड माशाल्लाह, कंसिस्टेंसी, ऑनेस्टी, वेरी गुड। और दो चार बातें बताइए, और इस तरफ से आवाज़ नहीं आ रही जी। एजुकेशन, बहुत खूब माशाल्लाह, डेडिकेशन, वेरी गुड। नेम, एम, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, मकसद होना चाहिए। आखिरी में एक लास्ट पॉइंट फ्रॉम दिस साइड और फ्रॉम द लास्ट साइड, मेहनत, हार्ड वर्क, वेरी गुड। अब इमेजिन कीजिए कि आप जो बोले हैं वो आपके पास है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या वो सिर्फ काफ़ी है? किसी ने टाइम मैनेजमेंट का जिक्र किया, इमेजिन कीजिए कि आप टाइम बहुत अच्छे मैनेज करते हैं लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है, या फिर दूसरी जो चीज़ें आप सब बता रहे हैं, डेडिकेशन नहीं है वगैरह वगैरह, ये सब नहीं है। जिन्होंने हार्डवर्क का जिक्र किया, इमेजिन कीजिए कि सिर्फ आप हार्ड वर्कर हैं लेकिन आपको टाइम मैनेज करने नहीं आता, आपके पास मुख्तलिफ जो चीज़ें बताई हैं वो नहीं हैं, तो क्या करेंगे? अब इतनी सारी चीज़ें आप जो बताई हैं, बाय द वे आप लोग बहुत रिलेवेंट बात किए हैं, ऑल ऑफ यू हैव स्पोकन सेंस, कोई इसमें नॉनसेंस की बात नहीं है, सब बिल्कुल सही बात बोले हैं, राइट इन द बुल्सआई। लेकिन अगर हम अपने डिस्कशन को इसी तरह जारी रखेंगे तो मेरा अंदाज़ा है कि हम कमोबेश 50 से 70 इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स को जमा कर लेंगे, जिसके ताल्लुक से हम ये बोलेंगे ये होना बेहद ज़रूरी है हमारे लिए कामयाब होने के लिए। अब ये 50 से 70 इतनी लिस्ट अगर लंबी है तो हो सकता है कुछ बच्चे रहे नहीं भाई मैं फॉलोवर ही ठीक हूँ, बल्कि हो सकता है कुछ लोग हिम्मत हार जाएँ, तो हमें कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। 100 बात की एक बात, ऐसा कुछ होना चाहिए ना? तो ये तमाम 50-70 जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें डेवलप करनी चाहिए अपने अंदर कामयाब होने के लिए, उन सबको इकट्ठा करके अगर मैं आपको बोलूं कि आप ये एक चीज़ अपने अंदर ला लें तो इंशाल्लाह ताला आप कामयाब रहेंगे। तो क्या आप तैयार हैं वो चीज़ जानने के लिए, सुनने के लिए? यकीनन। और ये एक चीज़ जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, उसके अंदर वो तमाम चीज़ें हैं जो आप बताए हैं और जो नहीं बताए हैं, वो तमाम चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। वो पैकेज है जो मैं बता रहा हूँ आपको, इट्स अ पैकेज, इफ़ यू बाई दैट पैकेज यू गेट ऑल दिस कंटेंट्स इन इट, वो आ जाती हैं, ठीक है। और लकीली अक्सर ये अल्लाह ताला का करम है कि बच्चे उमूमन ये पॉइंट गेस नहीं करते जो मैं बोलने वाला हूँ आपको, वरना पेपर आउट हो जाता ना, द स्टोरी इज आउट। तो बहरहाल, तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये जो पैकेज है, इस पैकेज का नाम है एटीट्यूड।
और अगर मुझसे आप मज़ीद वजाहत चाहें तो मैं बोलूँगा कि पॉजिटिव एटीट्यूड, या बोलूँगा कि राइट एटीट्यूड। ये अगर हम अंदर अपने ला लें तो हमारा हर एरिया हमारे वर्क से रिलेटेड है, जो जो भी एरियाज़ हैं हमारे रिलेशनशिप से रिलेटेड, जो जो भी एरियाज़ हैं हमारी हेल्थ से रिलेटेड, जो एरियाज़ हैं हमारी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, जो जो एरियाज़ हैं वो तमाम एरियाज़ जो है फुलफ़िल हो जाते हैं इससे, अगर हम अपने अंदर राइट एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड जो है ला लें। ठीक है, लफ्ज़ एटीट्यूड बदकिस्मती से हमारे सर्कल्स में थोड़ा सा मिसअंडरस्टूड होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप में से कितनों के पास एटीट्यूड है, ज़रा हाथ उठा के मेरे तरफ जो है इशारा कीजिए प्लीज़। हाउ मेनी ऑफ यू हैव एटीट्यूड? टू गर्ल्स वन बॉय, थ्री बॉयज़ एंड टू गर्ल्स से दे हैव एटीट्यूड, बाकी के पास एटीट्यूड ही नहीं है। ऐसा क्यों है मालूम? ऐसा क्यों आप लोग कह रहे हैं? ऐसा आप लोग अपने हाथ क्यों नहीं उठाए हैं? मैं जानता हूँ, आई नो, बिकॉज ये टॉपिक के ऊपर बहुत बार डिस्कशन हो चुका है। इस वजह से कि आप लोग द वर्ड एटीट्यूड को थोड़ा सा डिफरेंटली अंडरस्टैंड करते हैं। चलिए, जो पांच लोग सात लोग हाथ उठाए उनसे ही पूछ लेंगे कि उनके जहन में एटीट्यूड के क्या माने हैं। आप क्या समझते हैं, व्हाट इज एटीट्यूड? चलिए, माशाल्लाह, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत खूब। आप बताइए, आप क्या समझती हैं एटीट्यूड से? वालेकुम सलाम। एक्सप्रेशन, ऑलराइट, ओके, थैंक यू सो मच। इस तरफ से भी कुछ कोई हाथ उठाए थे, मेरे ख्याल से आप ब्लू शर्ट, आप हाथ उठाए थे। एटीट्यूड है आपके पास? नहीं है, अभी था, कहाँ गया पता नहीं। ग्रीन शर्ट जो पहने हैं वो, अच्छा चलिए कोई बात नहीं। कोई बोलना चाह रहे हैं वॉलेंटरीली अपनी तरफ से? अच्छा, जो हाथ नहीं उठाए हैं, आप ये बताइए कि आपके पास क्या नहीं है जो आप बोल रहे हैं कि एटीट्यूड नहीं है आपके पास? व्हाट यू डोंट हैव, आप बताएं। पिछली सफ वाले फाइव में से एनीबडी, आपके पास क्या नहीं है जो आप कहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, इसका मतलब मेरे पास एटीट्यूड नहीं है? क्या नहीं है बोलें, गलत जवाब के कोई पेनल्टी नहीं है और सही जवाब का प्राइस भी नहीं है। वैसे बताइए, जल्दी से बताइए, टाइम टाइम को हम सेव करेंगे। क्या नहीं है आपके पास? वेरी गुड, घमंड नहीं है आपके पास। और क्या नहीं है? और क्या नहीं है? हैदराबादी है कोई इसमें? हैदराबादी नहीं है, अच्छा आप हैं, मोतबरी बोलते हैं हैदराबाद में। असल इसके माने कुछ और ही हैं उर्दू में, लेकिन हैदराबाद में मोतबरी के माने हैं कि खुद को जो है बहुत आला समझना या आला अंदाज में बिहेव करते रहना, ये मोतबरी कहलाती है। बहरहाल, तो उमूमन हमारे सर्कल्स में लफ्ज़ एटीट्यूड को मिसअंडरस्टूड किया जाता है और लोग ये समझते हैं कि एटीट्यूड के माने हैं घमंड, प्राउड, और एरोगेंस, अकड़, मोतबरी हैदराबादी जबान में, वगैरह वगैरह। ठीक है, ये समझा जाता है। तो मैं आपके सामने वजाहत कर दूं कि एटीट्यूड के ये माने नहीं हैं। ये जो 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 चीज़ें आप सोचे हैं वो नेगेटिव एटीट्यूड के करेक्टरिस्टिक्स हैं। आपका एक एरोगेंट एटीट्यूड हो सकता है, एरोगेंट यानी कि अकड़, और आपका एटीट्यूड जो है प्राउड ही हो सकता है, आप खुद को जो है बहुत आला समझते हैं, गुरूर करते हैं, ईगोइस्टिक आप हो सकते हैं। ये एटीट्यूड के अकसाम हैं, टाइप्स हैं, या करेक्टरिस्टिक्स हैं जो एटीट्यूड में होती हैं। एटीट्यूड के माने वो हैं जो आपने बताया, और कुछ हद तक जो आपने बताया। ये एटीट्यूड है हमारा नेचर, हमारी तबीयत, हमारी फितरत, तो वो तो सबके पास है। कोई है जैसा जिसके जिसकी कोई तबीयत नहीं है? आपकी एक तबीयत है, आपका एक मिजाज है नहीं है? है या नहीं? ये हाँ है वैसे, आप कम से कम ऐसा कर दें ताकि मुझे लगे कि आप सुन रहे हैं। और ये ना है, आप हैदराबाद के हैं तो ऐसा कर सकते हैं। ये हो है, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था आपसे कि आप सबके पास मिजाज है या नहीं है? आप सब एक मिजाज के हामिल हैं, यू ऑल हैव ए नेचर, यू ऑल हैव ए काइंड ऑफ क्या कहते हैं उसे, फितरत है आपकी, आपकी सबकी, हम सब की फितरत है। तो ये है एटीट्यूड। अब पॉजिटिव एटीट्यूड यानी कि एक मुस्बित हमारी जो है मिजाज होना चाहिए। अब मुस्बित मिजाज वाला वो तमाम कैरेक्टरिस्टिक जो आप बताए हैं, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, टाइम मैनेजमेंट, 1 2 3 4 5 जो भी हैं, वो तमाम चीज़ें उसके पास होती हैं एक मुस्बित मिजाज वाले के पास। एक मुस्बित जिसकी फितरत होती है, यानी कि पॉजिटिव जिसकी फितरत होती है, उसके पास ये तमाम चीज़ें होती हैं। और एक नेगेटिव जिसका जो है एटीट्यूड होता है, वो उसके पास ये चीज़ें नहीं होती, उसकी अपोजिट्स होती हैं। यानी कि वो टाइम वेस्ट करता है,
या फिर वो नेगेटिव व्यू रखता है बहुत सारे लोगों के ताल्लुक से, वो अक्सर जो है नेगेटिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है, वो पॉजिटिव से दूर भागा करता है, पॉजिटिव उसको जो समझ में नहीं आती इस तरह से। तो हमें अपने अंदर क्या लाना चाहिए, अगर एक चीज़ लानी है तो क्या है बताइए प्लीज़, वो है पॉजिटिव एटीट्यूड या फिर राइट एटीट्यूड। ठीक है, अब ये किस तरह से लाएं, बोलना तो बहुत आसान है, लफ्ज़ बहुत अच्छा है, खूबसूरत, पॉजिटिव एटीट्यूड किस तरह से लाएं, क्या करना पड़ेगा? तो एक फार्मूला मैं आपके सामने रख दूं, 5 स्टेप्स आप फॉलो करिए, ये आपकी ज़िंदगी भर आपके काम आने वाली हैं, बता रहा हूँ मैं, नॉट ओनली एज लॉन्ग एज यू आर इन मानू कैंपस बट योर एंटायर लाइफ। और आप ये जिससे भी शेयर करें वो उनकी ज़िंदगी भी बदलने वाला है ये जो फार्मूला है। और आज तक मैं इस चीज़ का जो है शेयरिंग मैं कर रहा हूँ पिछले 10-15 साल से, 15 साल समझिएगा, 2004 में मेरा करियर स्टार्ट हुआ टीचिंग का, अब 2023 है, 19 साल, तो 2-3 साल के बाद से मुझे जब ये रियलाइज़ हुआ कि ये चीज़ है तो मैं स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना शुरू कर दिया, और अभी तक मुझे एक भी नेगेटिव फीडबैक नहीं आई है इसके ताल्लुक से, और बल्कि जो स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा उठाए हैं वो आकर बताते हैं बार बार कि जो है हमने आपके ये प्रिंसिपल को फॉलो किया और इससे जो है हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। तो मैं आपको गारंटी ऑन दिस बेसिस मैं आपको एश्योर दे रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला आपको जो है ये फार्मूला जो है यकीनन आपकी ज़िंदगी में काम आएगा, बल्कि हर उस शख्स के काम आएगा जिसके साथ आप ये शेयर करेंगे। तो ये 5 जो है स्टेप्स हैं आपको फॉलो करने हैं अगर अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड पैदा करना है, तो अगर आप ये पैदा कर लें अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड तो आप जो है ग्रुप में डिफरेंट हो जाएंगे, ग्रुप को आप लीड कर सकेंगे, आप इनिशिएटिव लेंगे वगैरह वगैरह। इसमें सबसे फर्स्ट क्या कोई गेस करना चाह रहे हैं 5 चीज़ें क्या होंगी? अगर सुने नहीं हैं इससे पहले तो बताएं, गेस करिए जी, बताइए आप, हाथ उठाए थे, सुनना चाहते हैं, अच्छा चलिए गुड। तो 5 चीज़ें हैं और ये एक ऑर्डर में ही हैं, सीक्वेंस में ही हैं, आप गेस भी कर सकते हैं, पहला वाला सुन लें और उस अगला गेस कर लें, मर्जी है आपकी। तो फर्स्ट थिंग, इफ़ यू वांट टू डेवलप ए पॉजिटिव एटीट्यूड, अगर आप अपने अंदर एक मुस्बित मिजाज पैदा करना चाहते हैं तो सबसे पहले कोशिश कीजिए अपनी सोच पर और अपने नज़रिए पर। ठीक है, सोच ये वो शय का नाम है जो आजकल हम में से बहुत सारे लोग छोड़ चुके हैं, क्योंकि हम बहुत मसरूफ़ हो चुके हैं, हम मसरूफ़ हैं अपनी एक्टिविटीज़ में, दुनिया बहुत मसरूफ़ हो गई है, इट इज़ कीपिंग अस वेरी वेरी बिजी। और जो मसरूफ़ नहीं हैं उनके पास मोबाइल फ़ोन भी है, मोबाइल फ़ोन उन्हें मसरूफ़ रखता है। मुझे हैरत होती है जब मैं स्टूडेंट्स के, जब हमारे कॉलेज में कभी मोबाइल फ़ोन किसी का पकड़ा जाए तो मेरे पास आते हैं, वो काउंसलिंग के लिए मेरे पास फ़ोन आ जाता, तो जब बच्चे आते तो मैं उनसे पूछता हूँ कितने घंटे आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं? अब कॉलेज तक मोबाइल फ़ोन आ गया इसका मतलब कि जो है वो ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसलिए जिम में आ गया वो, तो बोलते 2 घंटे से 3 घंटे सर, ज़्यादा नहीं। और आज तक का ऐसा कोई तजुर्बा नहीं है जिसमें स्टूडेंट जो टाइम बताए हैं उससे कम या उतना ही स्टूडेंट्स यूज़ करते हों, आज तक का। फ़ोन है आपके पास? कितने लोगों के पास फ़ोन है? चलिए वेरी गुड, ये यहीं पर हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कितने घंटे आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं ऑन एवरेज? ज़ोर से बोलिए, कोई भी बोलिए। जी एक एक टाइम बताइए, 2 आवर्स 3 आवर्स 4 आवर्स? हाँ, डिपेंड करता है। तो आप फ्री होने के बाद, अभी हम टाइम स्पेंड वेस्ट नहीं करेंगे इसके ऊपर, आप जैसे ही मेरा सेशन हो जाए अपने फ़ोन में सेटिंग्स में जाइए, अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो सेटिंग्स में जो है आप डिजिटल वेलबींग सर्च कीजिएगा, डिजिटल वेलबींग, और उसमें आप चेक करिए कि आप कितने घंटे जो है मोबाइल फ़ोन अपना यूज़ करते हैं, और मेरा गुमान है कि आप जितने घंटे समझ रहे हैं उससे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमको महसूस नहीं होता कि हम अपना वक्त जो है कितना मोबाइल पे दे रहे हैं। बहरहाल, कमिंग बैक, नो प्लीज़ लीव द मोबाइल फ़ोन, मौका मिल गया ऐसा दिख रहा है मेरे को। सो मोबाइल फ़ोन को फिलहाल बाजू रख दीजिए, मेरी तरफ तवज्जो दीजिए। तो आपको क्या करना चाहिए बताया मैं, फर्स्ट थिंग किस पे काम करना है? थिंकिंग, सोच और नज़रिए पर हमें काम करना है। कैसी सोच रखनी चाहिए, कैसा नज़रिया रखना चाहिए? जाहिर बात है पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए, पॉजिटिव नज़रिया हमें रखना चाहिए। पॉजिटिव सोच के माने क्या हैं? ख्याल जो आता है हमें ख़ुद के ताल्लुक से या लोगों के ताल्लुक से या फिर किसी मकसद के ताल्लुक से, उस ख्याल को जो है आप गौर करें, अगर पॉजिटिव ख्याल है तो उसे अपना लें, उसको जारी रखें उसके ताल्लुक से सोचना, और अगर नेगेटिव ख्याल है तो उसे रोक दें वहीं पर। ख़ुद के ताल्लुक से ख्याल आया कि मैं कर सकता हूँ,
ये मेरे लिए मुमकिन है, ये मेरे लिए आसान है, ये पॉजिटिव ख्यालात हैं ये, ठीक है। अगर ये आए आपके जहन में तो आप इसे क्या करेंगे, इसे कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही नेगेटिव ख्याल आए खुद के बारे में कि जो है मैं नहीं कर सकता, मेरे लिए बहुत मुश्किल है, ये चीज़ आसान नहीं है, ऐसे ख्याल जब आएँ तो आप इसे रोक दीजिए। किसी और के ताल्लुक से भी अगर पॉजिटिव ख्याल है उसे जो है एंटरटेन कीजिए, अगर नेगेटिव ख्याल है रोक दीजिए, क्योंकि हम नेगेटिविटी कंटिन्यू करते हुए अपना वक्त ज़ाया नहीं कर सकते। विंस्टन चर्चिल की एक बहुत अच्छी बात जो है मुझे याद आ रही है, आप लोग भी फॉलो करिए, कि अगर हम हर भौंकने वाले कुत्ते पर पत्थर मारना शुरू कर दें तो हम मंजिल पर नहीं पहुँच सकते। तो जब कभी भी आप नेगेटिव कोई चीज़ सुने तो क्या करें, वहाँ से तेज़ी से निकल चलिए, आगे बढ़िए। चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ों को हमें वहीं का वहीं छोड़ देना चाहिए। अगर कोई आके आपसे बोले कि जो है भाई आपके बारे में कोई शख्स ये बात बोल रहा था, तो उसमें आपकी इंटरेस्ट नहीं है, आप वहाँ पर नहीं थे, तो वो लकी हैं आप वहाँ नहीं थे जब आपके सामने वो बात हो रही थी, तो क्यों जो है आप उसको फिर किसी और के मुँह से सुनकर अपना टाइम ज़ाया करें उसमें। तो ये नेगेटिव एक पॉइंट था ना, नेगेटिव बात थी, उसको क्या करना चाहिए, हमें इमीडिएटली वहीं पर रुका देना चाहिए, ताकि आपका बहुत सारा वक्त बचे। याद रखिए, अगर आप नेगेटिव थॉट्स को एंटरटेन नहीं करेंगे तो आपका बहुत टाइम बचेगा। नेगेटिविटी को हम सोचते रहेंगे तो हमारा वो उसके अंदर इतना मादा होता है कि वो हमें बहुत ज़्यादा मुतासिर करता। आप सोचिए कि सुबह उठते ही अगर आप कोई नेगेटिव सोशल मीडिया के ऊपर कोई नेगेटिव पोस्ट देख लिए, आपके खिलाफ, आपके गाँव के खिलाफ, आपके शहर के खिलाफ, आपकी कौम के खिलाफ, आपके मज़हब के खिलाफ, आपके वतन के खिलाफ, आप कोई चीज़ अगर देख लिए सोशल मीडिया पर, तो उसके बाद के अगले 2-3 घंटे कैसे गुजरते हैं आपके? बिल्कुल सही, पूरा दिन गुजर जाता, 2-3 घंटे तो छोटी बात है ये। अच्छा, आप देखने के बाद क्या कुछ पॉजिटिव चेंज ला सक रहे हैं इमीडिएटली? द आंसर इज नो, बल्कि आपका एक एक दिन ज़ाया हो रहा है इसके अंदर। तो जैसे ही कोई नेगेटिव चीज़ आपके सामने आए, उससे आपको बचना चाहिए, एहतियात करने की ज़रूरत है। तो नेगेटिव थॉट्स को रोकिएगा, नेगेटिव नज़रियात को जो है आपको दफ़ा करना है, कंट्रोल करना है। तो जब हम नेगेटिव को हटाएंगे तो क्या दाखिल होगा? पॉजिटिव, ठीक है। हम तो कमिंग बैक टू दैट पॉइंट वेयर आई सेड के जो है हम सोच नहीं रहे हैं आजकल, तो मैं सबसे पहले आपको इनवाइट कर रहा हूँ कि आप लोग सोचना शुरू करें। अपने मोबाइल फ़ोन को जो है आप इसमें टाइमर सेट कर लें कि जो है जब कोई ऐप 20-30 मिनट्स क्रॉस कर लें तो आपको अलर्ट करे, है ना, सेटिंग्स हैं इसमें, आपको मालूम है। आपका मोबाइल फ़ोन आपको अलर्ट करेगा कि आप 30 मिनट से ये मोबाइल ऐप यूज़ कर रहे हैं, तो आप फौरी जैसे ही रियलाइज़ करें उसको जो है बंद कर दें और सोचने बैठें। हो सकता है पहले पहले आप बेजार हो जाएं, हो सकता, मुमकिन है। वैसे यहाँ पर ये जो माहौल है, अगर आपको मानू का मुझे आई फील एनवीएस, यानी कि मुझे जो है रश्क होता कि काश मैं भी ऐसे किसी माहौल में होता। यहाँ पर इतनी शांति है, इतनी खामोशी है, इतनी अच्छी फ़िज़ा है, इतना अच्छा जो है नेचर है, यहाँ पर पोल्यूशन नहीं है, खुला आसमान है, नेचुरल जो है सीनरी है, पहाड़े हैं, चट्टान हैं और झाड़ हैं। ये तमाम चीज़ों में आपकी सोच की जो है नर्चरिंग बहुत अच्छी हो सकती है, याद रखिए। तो आप सोचिए प्लीज़, टेक आउट टाइम, इंडिपेंडेंट, अलोन हो जाइए, अकेले, कोई अच्छा बेस्ट फ्रेंड को साथ मत रखिएगा, बी अलोन, अकेले बैठिए, अकेले सोचिए, लेट अस स्टार्ट थिंकिंग फर्स्ट, उसके बाद आप जो है नेगेटिव थॉट्स को अलग करिए, पॉजिटिव थॉट्स को जो है कैरी ऑन करिए, ठीक है। और नज़रिया भी, हर चीज़ के जो है मुख्तलिफ पहलू होते हैं, डिफरेंट एंगल्स होते हैं जिसके थ्रू आप देखते हैं चीज़ों को। तो जहाँ से पॉजिटिव नज़रिया आपको मिले वो हासिल कीजिए, नेगेटिव नज़रियात को जो है अवॉइड कीजिए। तो ये फर्स्ट फार्मूला है, बहुत ये एक्चुअली एक मेजर पार्ट है डिस्कशन का, हो सकता है, लेकिन वक्त में हमको 5 चीज़ें कवर करनी है, इसलिए मैं इसको इस पे रोक रहा हूँ। अगर आप कुछ इससे मुताल्लिक कोई सवाल बीच में पूछना चाहते हैं तो अपना हाथ उठाएं और सवाल कर लें, ताकि हम जो है आगे बढ़ सकें, नहीं तो हम कंटिन्यू करते रहेंगे। पॉजिटिव सोच आपको जो है नर्चर करनी चाहिए अपने अंदर। एक ऐसा वक्त आ जाए कि जो है आप जब सोचें तो सिर्फ पॉजिटिव ही सोचें, एक लिमिटेशन हो जाए हमारा। जिस तरह से हमारे सोसाइटी में हम देखते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, खुद मैं बात करता हूँ लोगों से तो मुझे अंदाज़ा होता कि नेगेटिव बात करने वाले लोग हैं, नेगेटिव सोचने वाले लोग हैं, अक्सर उनके जहन में नेगेटिव थॉट्स ही आते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। फर्स्ट प्रिकॉशन हमें ये लेना है कि खुद को पहले उनके नेगेटिव थॉट्स से और उनके ख्यालात से, अल्फाज से हमें महफूज रहना है। हम जब सेहतमंद रहेंगे तो उनकी हम मदद कर सकेंगे, ये सेकंड वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि हम उनको उस हालत में नहीं छोड़ सकते और वो हमारे
हमारे जो है गज़ब के मुस्तहक नहीं, हमारे रहम के मुस्तहक हैं। अगर कोई जो है नेगेटिव थॉट रखने वाले, हम जिन्हें जानते हैं, वो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं और बोलते हैं और हमेशा गुस्से में चिढ़ में रहते हैं, तो ये वो हमारे रहम के मुस्तहक हैं। उन्हें हमें उनके साथ शफ़क़त के साथ रहना चाहिए, लेकिन सबसे पहले ख़ुद को बचाएं, ख़ुद को महफूज रखना है हमको उनके नेगेटिव थॉट से। जब कभी भी कोई आपके ताल्लुक से नेगेटिव बात बोले तो आपको दो उसके ऊपर टेस्ट लगाने हैं, ठीक है। पहला ये कि जो है क्या ये चीज़ मुझ में है, दो स्टेप्स हैं समझिए, टेस्ट नहीं है, क्या ये चीज़ मुझ में है। अगर आप में है वाकई और ओपन जहन से सोचना है, ठीक है, ओपन थॉट, अगर आपके अंदर यकीनन है तो जो है क्या करना चाहिए, अपने अंदर तब्दीली लानी चाहिए, एंड वी हैव टू थैंक देम, हमें उनका मशकूर होना चाहिए। जब कभी भी आपके ताल्लुक से कोई नेगेटिव बात बोले तो आपको डिफेंसिव नहीं होना चाहिए, याद रखिए। डिफेंसिव यानी कि अपनी सफाई पेश करना हम शुरू कर दें तो जो है हम गौर करना बंद कर देते हैं। तो अगर आपको यकीन है कि आप वो गलत काम नहीं किए हैं या गलत आप नहीं सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई आपको आके ताकीद कर रहे हैं, तो भी आप सुन लीजिए, क्योंकि उससे कुछ नुकसान होने वाला नहीं है। सुन लीजिए और गौर कीजिए कि आपके अंदर है या नहीं है। अगर है तो करेक्ट कीजिए, नहीं है तो फिक्र की बात ही नहीं है, उसको इमीडिएटली इग्नोर करना है। सेकेंड पॉइंट, तो पहले ख़ुद को महफूज रखना है। दूसरी बात ये कि हमें अच्छा ये एक टेस्ट मैच की तरह है, या फिर जो है ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। जब हम ज़्यादा नेगेटिव जो परसेप्शन रखते हैं उनको पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं, एक लॉन्ग प्रोसेस है ये, हमारे दो मीठे बोलों से जो है चेंज आने वाला नहीं है। तो हमको कंसिस्टेंटली उनके साथ, जब वो नेगेटिव प्रेजेंटेशन करें तो उनके साथ हम पहले शांति से सुन लें, जब वो अपने आप को एम्प्टी कर लें तो जब हम फिर एक पॉजिटिव थॉट उनके पास छोड़ दें। और ये बिल्कुल कोशिश नहीं करिएगा कि जो आज ही हम इनको मना लेंगे, आज ये बैठक में हम साबित कर देंगे कि उन्होंने गलत है या हम सही हैं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होने वाला है। हम जितनी शिद्दत से कोशिश करेंगे उतना उसके मुखालिफ जो है बच जाएंगी। तो हमें विकेट पर रुकना चाहिए, रन आते रहेंगे, एक दिन, दो दिन, एक महीना, दो महीना, दो साल, चार साल, छः साल, कभी कभी ज़िंदगी भर भी लग सकती है अगर कोई ज़्यादा नेगेटिव शख्स है जिसके साथ हम रह रहे हैं उनको पॉजिटिव करने में, ठीक है। और ये थका देने वाला अमल नहीं है वैसे, बाय द वे, अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड अपने अंदर ला लें तो आप ये प्रोसेस को जो है बहुत अच्छे से जो है कैरी ऑन करेंगे और इसको एंजॉय भी करेंगे, ठीक है। आई होप आई हैव आंसर्ड माय क्वेश्चन। तो ये जो है इस तरह से हम कर सकते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग को कंटिन्यू करना है हमें, ठीक है। और कोई सवाल नहीं, तो मैं खुद एक सवाल उठाकर उसका जवाब देता हूँ, क्योंकि अक्सर ये सवाल उठता है और ज़रूरी है सवाल। स्टूडेंट्स कभी पूछते हैं मुझसे कि सर क्या हमेशा पॉजिटिव अगर हम सोचते रहें तो गलती ना कर देंगे? हर एक के ताल्लुक से पॉजिटिव सोच रहे हैं, हर वक्त हर सिचुएशन के ताल्लुक से पॉजिटिव सोच रहे हैं, तो मुमकिन है ना गलती हो जाए? यस नो? बिल्कुल यकीनन मुमकिन है कि जो है आप गलती कर दें पॉजिटिव सोचते रहेंगे। तो क्या नेगेटिव सोच की कोई जगह नहीं होनी चाहिए? द आंसर इज़ नो। नेगेटिव सोच की जगह होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? बिल्कुल खाने में नमक के बराबर। जब कभी भी कोई चीज़ आपके सामने, कोई ऑफर आए, अपॉर्चुनिटी आए, तो आपको उसके ताल्लुक से पहले पॉजिटिव अप्रोच रखनी चाहिए, पॉजिटिव सोच रखें और उसको सुने समझें, और साथ ही साथ थोड़ा सा नेगेटिव भी सोचें उसके ताल्लुक से, ताकि जो है बैलेंस हो जाए। अगर नेगेटिव हावी हो जाए तो ऑटोमेटिकली आपको रियलाइज़ होगा। हमारा प्रॉब्लम यह है कि इन जनरल बता रहा हूँ मैं, जो पिरामिड के दूसरे और तीसरे खानों में होते हैं, हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम ज़्यादातर नेगेटिव सोचते हैं और पॉजिटिव पर तवज्जो हमारी उस वक्त तक नहीं जाती जब तक कि कोई एहसास ना दिला दे, इस वजह से हम उन्हीं खानों में रहते हैं। तो हमको चाहिए कि हम पॉजिटिव सोचें आम तौर पर, और बिल्कुल एज ए एलिमेंट ऑफ क्या कहते हैं क्वांटिटी, साल्ट क्वांटिटी कितनी होती है खाने में, उतना ही नेगेटिव सोचें। एक छोटी मिसाल देकर हम नेक्स्ट पॉइंट पर जाएंगे। आप अब यहाँ से मानो से निकलेंगे, आप कुछ शॉपिंग को जाना है किसी दिन, शायद मानो आपको परमिशन भी दे, कुछ शॉपिंग का ऐसा है ना, परमिशन मिलते हैं, तो आप बाहर निकले रोड पर। अब आप पॉजिटिव थिंकर हैं, ट्रैफिक चल रही है रोड के ऊपर, और आप सोचें कि मैं तो पॉजिटिव थिंकर हूँ, कुछ नहीं होगा मुझे, और आप सड़क पार करना शुरू कर दें, क्या हो सकता है? खुदा ना खास्ता मुमकिन है कि आप हादसे का शिकार हो जाएं। तो वहाँ पर आपको सिर्फ पॉजिटिव नहीं सोचना है, वहाँ पर यह भी देखना है कि कहीं वो लॉरी आपको लग जाए, बस आपको टक्कर दे दे, या कार आपको टक्कर दे दे, तो आप इंजर्ड हो सकते हैं, नुकसान हो सकता है। तो वहाँ पर उस हद तक नेगेटिव थॉट आना बेहद ज़रूरी है, लेकिन वहाँ ठहर कर हर गुजरने वाली लॉरी, हर गुजरने वाली कार, बाइक, हत्ता के साइकिल चलाने वाला और पैदल चलने वाले, इन सब के ताल्लुक से आप सोचेंगे कि ये मुझे टकराएगा, ये नेगेटिव थिंकिंग है। गाड़ी की रफ्तार देखकर आपको जो है सड़क पार करनी है, तो थोड़ा एलिमेंट ऑफ नेगेटिव थिंकिंग इज़ रिक्वायर्ड, ज़रूरी है, बट क्वांटिटी ज़्यादा किसकी होनी चाहिए? पॉजिटिव थिंकिंग की।
ओके सो ये हो गया फर्स्ट. सेकंड क्या होगा? कैन समबडी गेस? रिस्पेक्ट योर सेल्फ. नहीं, बहुत अच्छी चीज़ है, होनी चाहिए, लेकिन वो सेकंड नहीं है. गेस करिए सेकंड गेस. पेशेंस. ये भी बहुत अच्छी चीज़ है लेकिन इसका हिस्सा नहीं है. जी पीस, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है. ओवरऑल आ जाएगी हम जब पॉजिटिव एटीट्यूड हासिल कर लेंगे तो इंशाल्लाह. तो सेकंड, जैसे ही हम पॉजिटिव थिंकर बन जाएं, या फिर ये प्रोसेस साथ शुरू कर दीजिएगा. ऐसा नहीं कि जब तक पॉजिटिव थिंकर नहीं बनेंगे सेकंड वाली चीज़ नहीं करेंगे. साथ स्टार्ट करनी है हमें. सेकंड, आप अपने अंदर ये आदत डाल लें कि आप जब भी बात करें तो पॉजिटिव बात करें. स्पीक पॉजिटिवली. कम्युनिकेशन. फर्स्ट वॉज थिंकिंग, सेकेंड इज कम्युनिकेशन. जब आप बात करें तो कैसी बात करें? पॉजिटिव बात करें, अच्छी बात करें. अच्छी बात करना क्या है? नेकी भी है. अच्छी बात करने से हम लोगों को खुश रख सकते हैं. अच्छी बात करने से आप भी अच्छा फील करेंगे. आप एक एक्सपेरिमेंट करिए. अगले 20 सेकंड का हम टाइम लेंगे एक्सपेरिमेंट करने के लिए. आप जो है पहले 10 सेकंड मैं क्लैप ऐसा स्नैप करूँगा. फर्स्ट 10 सेकंड्स आप लोग जो है गुड, अच्छा, ये दो में से कोई एक लफ्ज़ आहिस्ता आहिस्ता बोलिएगा. ठीक है? रेडी? सब तैयार हैं? या इसके अलावा और कोई अच्छा लफ्ज़ अगर आ रहा है तो बोलिएगा. वो 10 सेकंड के लिए स्टार्ट. डन. कैसा फील कर रहे हैं? अच्छा फील कर रहे हैं. चलिए अगले 10 सेकंड तक आप कोई नेगेटिव लफ्ज़ बोलेंगे. हो सके तो सिर्फ नेगेटिव ही बोलिएगा, या बैड बोलिए, वर्स्ट बोलिए, अगली बोलिए, कोई ख़राब बात बोलिएगा. दिल ही दिल में बोलिए अगर मुंह से नहीं बोलना चाह रहे तो. 10 सेकंड के लिए टाइम स्टार्ट नाउ. चलिए डन. ये दोनों में कंपेयर अगर आप करें तो कब बेहतर फील कर रहे थे? यकीनी बात है इसमें हमको जो है बातें बनाने की ज़रूरत ही नहीं है. मैं जब आपसे बोल रहा हूँ ये अल्फाज तब मैं खुद अच्छा और बुरा फील कर रहा हूँ. जब मैं अगली, बैड, बुरा ये अल्फाज बोल रहा हूँ तो मेरे अंदर हमारी सेंसिटिविटी मुझे बता रही है कि जो है मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ. हमें उतना सेंसिटिव होना चाहिए वैसे. और अच्छी बात आप जब कर रहे हैं तो आप अच्छा फील करेंगे. तो हमें कैसी बात करनी चाहिए? अच्छी मुस्बित बात करनी चाहिए. जब आप बात करें तो अच्छी बात करें. नेगेटिव बात तो उनको छोड़ दीजिए, कुछ है भी तो बताने की ज़रूरत नहीं है. पॉजिटिव ही बात कीजिएगा. तो इससे होता क्या है? इससे होता यह है कि आपके अंदर का जो मिजाज है, तबीयत जो है ना, वो पॉजिटिव रहती है. और उसके बाद आपके एक्शन सही हो जाते हैं और आपके तमाम आपकी हेल्थ मुनासिब बेहतर रहती है और आपके रिलेशनशिप अच्छे रहते हैं जिसकी वजह से आप कामयाब हो जाते हैं. तमाम गोया के जो है कायनात का ज़र्रा ज़र्रा आपकी कामयाबी के लिए कोशिश कर रहा है. इस तरह से आपको महसूस होगा जब कभी भी कुछ होगा. ठीक है? तो कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए हमें? पॉजिटिव कम्युनिकेशन. तो इसमें अब करेंगे क्या? पॉजिटिव कम्युनिकेशन करें क्या आखिर? आप जो अल्फाज का चयन करते हैं, जो वर्ड्स चूज़ करते हैं, उन वर्ड्स को डिटरमाइन कीजिए कि क्या ये वर्ड पॉजिटिव है या नेगेटिव है. अगर पॉजिटिव है तो यूज़ करिए, नेगेटिव है तो अवॉइड कीजिए. गुड फॉर एग्जाम्पल, ये पॉजिटिव वर्ड है. पॉसिबल, ये कौन सा वर्ड है? पॉजिटिव या नेगेटिव? ये पॉजिटिव है. इसको कंटिन्यू कीजिए, ये वर्ड को यूज़ करिए, जितना ज़्यादा हो सकता है यूज़ करिएगा. इम्पॉसिबल ये एक नेगेटिव वर्ड है, इसको जो है आपको अवॉइड करना है जिस हद तक मुमकिन है अवॉइड करना है. मेक सेंस? तो एक फहरिस्त बनाइए अपने जहन में. आप जब बोलते हैं उस वक्त अपने अल्फाज को सुनिएगा भी, यानी कि तवज्जो के साथ बोलिए क्या बोल रहे हैं आप. अगर पॉजिटिव अल्फाज बोल रहे हैं तो कैरी ऑन कीजिए, नेगेटिव अल्फाज बोल रहे हैं तो बराए कर रुक जाइए, ये आपके लिए बेहतर है. नेगेटिव आप कोई लफ्ज़ बोलेंगे तो वो जब आपकी ज़बान से निकल चुका है वो अपना असर छोड़ता है जिनके पास भी जाता है वो, और ख़ुद आपके पास भी असर छोड़ के जाता है वो, याद रखिए. तो हमें नेगेटिव कम्युनिकेशन को अवॉइड करना चाहिए. जब आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आ जाए तो आपको ये खुद अच्छा थिंकिंग जो है ना वो इंटरनल कम्युनिकेशन है वैसे देखा जाए तो. जब हम दूसरों से बात कर रहे हैं तो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है. तो ये दो कम्युनिकेशन, पहले हम इंटरनल कम्युनिकेशन की बात किए जहाँ पर आपको मुसबित सोचना चाहिए, दूसरा हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल कम्युनिकेशन की जहाँ पर आपको मुसबित बोलना चाहिए. पॉजिटिव वर्ड ही यूज़ करें. अगर हालात संगीन हो जाएं, इमरजेंसी सिचुएशन है, उसी वक्त आप नेगेटिव वर्ड यूज़ कर सकते हैं. ठीक है? कोई सवाल इस ताल्लुक से?
अगर आपको नेगेटिव बोलना भी है, जैसे कभी 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 मजबूरन आपको जो है डिफ्रेंशिएट करने के लिए बताना पड़ता, तो जब मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मैं बहुत इस चीज़ को लेके हिसास हूँ, तो मैं अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ नेगेटिव लव्स, तो मैं क्या करता हूँ उस वक्त आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, मैं वो नेगेटिव वर्ड यूज़ करता हूँ लेकिन उससे उसके बाद एक पॉजिटिव वर्ड ऐड कर देता हूँ, जिस तरह से फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ गुड एंड, तो उसका उल्टा क्या होगा, दिस इज़ बैड होगा ना, तो मैं बोलता हूँ दिस इज़ गुड, दिस इज़ लेस गुड। तो जब हम इस तरह के अल्फाज यूज़ करेंगे तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और आपके ऊपर इफेक्ट नहीं होगा। बात कम्युनिकेट तो कर दिए हैं आप, लेकिन जो है आपके ऊपर इसका नेगेटिव छाप नहीं रहेगा, नेगेटिव मार्क नहीं रहेगा। ठीक है, तो कोई बोले मुझे, कोई पूछे इस तरह के किसी सेशन में कि आपको बोलना ही है, मैं मिसाल दरअसल वहाँ पर ये दिया कि आप किसी को अगर बोले गिड्डा है, गिड्डा समझते हैं आप क्या बोलते हैं आपके जगह पर, कम खत वाले को क्या बोलते हैं, गिड्डा बोलते हैं ना, पस्तखत, यहाँ पर हैदराबाद में गिड्डा भी बोलते हैं उसको, यानी कम मौना है, गिड्डा है, पस्तखत है। और अच्छा है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, और लंबा ये पॉजिटिव है, मोटा और दुबला सेहतमंद हो, बीच में होना कहीं ना कहीं। तो अब हम इनको क्या बोले, कोई पूछ लिए मेरे से जिसका खद अगर पस्त हो, या फिर जो है कोई जो है बहुत ज़्यादा मोटे हों, तो उन्हें क्या बोलें, उनको तो मोटा ही बोलेंगे ना, आप क्या बोलेंगे, हेल्दी बोलिए, वेरी गुड, मैं भी बोला सेहतमंद बताइए उनको, ये बोले कि सेहतमंद, काफ़ी सेहतमंद है आजकल बोला जा रहा है, वैसे आप सुन रहे हैं ना, जो ज़्यादा मोटे हैं उनको बोला जाता है ये सेहतमंद है काफ़ी, खाते पीते घराने के, ये पॉजिटिव वर्ड है। तो इस तरह के अल्फाज यूज़ करिएगा, अच्छा फील करेंगे आप, देखिए अभी हंस रहे हैं आप। तो ये जो हैं ये कम लंबे हैं, इनको हम छोटा नहीं बोलेंगे, ये कहें कम लंबे हैं, और वो कम दुबले हैं, या वो कम मोटे हैं जो दुबले हैं। तो बहरहाल आप अपने अल्फाज को थोड़ा सा जो है मॉडिफाई मैनेज करके अच्छे अल्फाज जो है बयान कर सकते हैं, जिसके बाद आप अच्छा फील करेंगे और सुनने वाले भी अच्छा फील करेंगे। ठीक है, तो बी ए पॉजिटिव कम्युनिकेटर, जब बात करें तो अच्छी बात करें, वरना क्या करें, खामोश रहें, हदीस शरीफ में आया है बात करो तो अच्छी बात करो वरना चुप रहो, ये पॉजिटिव कम्युनिकेशन है। ये दो के साथ तीसरा क्या होगा, गेस करिए, पॉजिटिव थिंकिंग हो गई, पॉजिटिव कम्युनिकेशन हो गया, तीसरा क्या हो सकता है, वेरी गुड माशाल्लाह, पॉजिटिव एक्शन, यानी कि हमारे जो हमारा जो बिहेवियर है, हमारे जो एक्टिविटीज़ हैं वो कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। हम दिन भर में मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ का हिस्सा बनते हैं, कुछ पॉजिटिव होती हैं कुछ नेगेटिव होती हैं, लेकिन एक कामयाब शख्स हमेशा जो है नेगेटिव एक्टिविटीज़ को अवॉइड करता है और सिर्फ पॉजिटिव एक्टिविटीज़ को ही जो है फुलफ़िल करता है। आप अंदाज़ा लगाइए, आपके पास 24 घंटे हैं और 24 घंटे सबके पास हैं, अगर आप अपना वक्त किसी नेगेटिव एक्टिविटी में लगा रहे हैं, नेगेटिव एक्शन में लगा रहे हैं, तो ना सिर्फ आपका वक्त नेगेटिव में ज़ाया हो रहा, बल्कि आप पॉजिटिव एक्शन से भी महरूम हैं। ठीक है, और आप उस वक्त जहाँ पर पॉजिटिव एक्शन में इन्वॉल्व हैं, कोई शख्स जो पॉजिटिव एक्शन में इन्वॉल्व नहीं नेगेटिव में इन्वॉल्व है, तो आपको उससे डबल एडवांटेज होने वाला है, वो एक सीढ़ी पीछे जा रहे हैं और आप एक सीढ़ी आगे जा रहे हैं, मेक सेंस टू यू। तो आप अपने दिन भर में ये अपना रूल बना दीजिए कि आप कितने परसेंट पॉजिटिव एक्शंस करेंगे, कितना अच्छा है बताइए, स्टैंडर्ड बताइए, 70%, 80%, 100%, इट इज़ पॉसिबल, हर काम जो करें पॉजिटिव एक्शन ही हो, ये चॉइस है देखिए आपकी, आपके ऊपर कोई लाजिम नहीं है। आप अगर 100% पॉजिटिव एक्शंस करेंगे, कोई शख्स 90% करेगा तो आप आगे होंगे, आप अगर 80 पे इक्तफा कर लेंगे सेटिस्फाइड होंगे हैं, और कोई 90 कर रहा है तो वो आपसे ज़्यादा बेहतर है, आपसे अच्छा कामयाब होगा वो। तो 100% हमें जो है पॉजिटिव एक्शंस करना चाहिए। ये बताइए मुझे कि सोना पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वेरी गुड, ज़्यादा सोना नेगेटिव है, ज़रूरत के मुताबिक सोना पॉजिटिव है। अब इसमें भी औकात भी हैं, टाइमिंग, किस टाइम पर सो रहे हैं आप, तो किस टाइम पर सोना चाहिए हमें,
हाँ जी, 10 से 4, 10 से 5, ये बेहतरीन टाइम है सोने का। इसके अलावा सो रहे हैं तो आप जो है अपने नेगेटिव एक्शन में इन्वॉल्व हैं। और अगर दिन में सोना चाहते हैं तो जोहर के बाद का टाइम है 10-15 मिनट, वो भी घंटों नहीं, बिल्कुल 10-15 मिनट। ये खैलुला भी है, जापानीज़ जो है रिसर्च बताती है कि ये पावर नैप जो लोग लेते हैं दोपहर में लंच के बाद या फिर जो है आफ्टरनून, वो उसको पावर नैप बोला जाता है। पावर नैप यानी कि 10-15 मिनट सो के उठना। और अकॉर्डिंग टू स्टडीज़ ये 10-15 मिनट का सोना इंसान को फिर सुबह वाली ताजगी जो है दे देता है। तो 4 हो जाते हैं आप, यू स्टिल हैव 6 आवर्स टू वर्क नाउ जैसे आप सो के उठ जाएंगे। तो बिल्कुल इस तरह से जो है आप सो सकते हैं। तो सोना भी एक पॉजिटिव एक्शन होता है। अगर आप घंटों सो जा रहे हैं, 8 आवर्स 9 आवर्स हो जा रहे हैं, तो ये नेगेटिव एक्शन के अंदर शामिल हो जाता है। एक सेहतमंद इंसान सिर्फ 6 से 8 घंटे तक ही सोना चाहिए सेहतमंद इंसान को। अगर आप 6 से कम या 8 से ज़्यादा सो रहे हैं तो आप बीमार हैं। इमरजेंसीज में 6 से कम सो सकते हैं, आपकी बॉडी एक्सेप्ट करेगी, अडॉप्ट करेगी उन चीज़ों को, लेकिन मुसलसिल 6 घंटे से कम सोना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो 6 to 8 आवर्स ये आप स्टैंडर्ड बना लें। मेरा आपसे कहना है कि 6 घंटे ही सोइएगा, 8 घंटे तक मत जाइए। क्यों? क्योंकि 6 घंटे भी 1/4 हो गया दिन का, 1/4 of the day। इसका मतलब ये है कि 4 दिनों में आपका 1 दिन मुकम्मल सोने में चला गया, 4 महीनों में 1 महीना, 4 साल में 1 साल आपका सोने में चले गया। अगर आप यहाँ 4 साल रहने वाले हैं तो 1 साल आपका सोने में जाने वाला है। अगर 6 घंटे सोएंगे तो क्या हासिल करेंगे? अगर 8-8 घंटे सो गए तो 1/3, 3 साल में से 1 साल सो के गुजार दिए। तो हमें देखना चाहिए कि हम कौन से एक्शंस में इन्वॉल्व हैं। इसके मुतालिक एक इमेजिन कीजिए ग्राफ फिर से। ये आपका मकसद है, ये आपका मकसद है। इमेजिन कीजिए आप यहाँ कहीं हैं मैप पर। तो आप जब अपने मकसद की तरफ बढ़ रहे हैं तो वो कौन से एक्शंस हैं? पॉजिटिव एक्शंस हैं। और आप मकसद के अगर ख़िलाफ़ जा रहे हैं तो वो नेगेटिव एक्शंस हैं। तो हर एक्टिविटी, जब आप किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं तो एक सेकंड के लिए सोच लीजिए कि क्या ये एक्टिविटी मुझे अपने मकसद के एक कदम करीब लेकर जा रही है या मेरे मकसद से एक कदम दूर लेकर जा रही है। अगर मकसद से एक कदम आप करीब हो रहे हैं तो ये पॉजिटिव एक्टिविटी है, और अगर मकसद से एक कदम आप दूर हो रहे हैं तो ये नेगेटिव एक्टिविटी है। एज सिंपल एज दैट। लेकिन ये सुन तो लेंगे बहुत सारा हम, लेकिन इसको अमल में लाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक्शन में लाना इम्पॉर्टेंट है। तो इसको आप, अच्छा, ये इनिशियली आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, बार बार सोचना पड़ेगा मैं जो बात बता रहा हूँ, अगर आप याद रख सकते हैं तो। उसके बाद ये आपके मिजाज में शामिल हो जाएगा, आदत में। आप देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और मैं जिस हद तक जानता हूँ, माशाल्लाह वाइस चांसलर साहब से भी मुलाकात हुई है, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये एक ऐसे शख्स हैं जो पॉजिटिव एक्शंस करते हैं, यानी कि ऐसा ही काम करते हैं जो जिसका मकसद जो है मुस्बित हो। आप हर कामयाब शख्स को ले लीजिए, उनका उनके मकासद मुख्तलिफ हो सकते हैं। हो सकता है आप किसी के मकसद से मुत्तफिक ना हो, लेकिन उनके अंदर आप एक आदत ज़रूर पाएंगे, वो ये कि वो जो भी करते हैं अपने मकसद के लिए करते हैं। इसीलिए टोनी रॉबिन्स का एक कोट है, अगरचे कि मैं कुछ रिजर्वेशंस के साथ इसको कबूल करता हूँ। टोनी रॉबिन्स एक स्पीकर हैं यूएस के, वो बोलते हैं कि डू नॉट जज एनीबडी बाय योर प्रिंसिपल्स एंड योर वैल्यूज, जज देम बाय देयर प्रिंसिपल्स एंड देयर वैल्यूज। किसी शख्स के बारे में आप अगर राय कायम करना चाहें तो उसके प्रिंसिपल्स क्या है और वो क्या फॉलो कर रहा हो, ये देखिए। आप मेरे प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहा है या नहीं, वो मत देखिए। तो आप अगर देखेंगे हर कामयाब शख्स अपने अपने मकसद को लेकर जो आगे बढ़ रहा है, वो मकसद आपकी नज़र में अच्छा या बुरा हो सकता है, लेकिन उसके अंदर एक बात तो यकीनन है, वो ये कि वो अपने मकसद से हट के दूसरा काम नहीं करता। आपको भी अगर कामयाब होना है तो रास्ता बस यही है, क्या करना है, सिर्फ वही एक्शन करिएगा जो मुसबित है, पॉजिटिव है, और हर वो एक्शन मत करिए जो नेगेटिव है। मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल अगर आप सोशल मीडिया के लिए कर रहे हैं, गेम्स के लिए कर रहे हैं, तो ये एक मनफी इस्तेमाल है, नेगेटिव इस्तेमाल है, ये नेगेटिव यूसेज है, और ये यकीनन, इसमें कोई दो राय नहीं है, यकीनन आपको नुकसान पहुंचाने वाला है। और अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल पॉजिटिव कामों के लिए कर रहे हैं, कुछ अच्छी वीडियोस देख रहे हैं, और या फिर कुछ आप जो है क्रिएटिव चीज़ देख रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव इसका इस्तेमाल है। आपके हाथ में है चीज़, आप उससे सिर्फ पॉजिटिव एक्शन लीजिएगा, ठीक है। आप जब ये करेंगे, पहले आमदन करेंगे, उसके बाद आपको आदत हो जाएगी, आपको नेगेटिव चीज़ें खटकेंगी, आप नहीं करेंगे। आपका वक्त जब ज़ाया होगा 10-15 मिनट कहीं पर, आप बेचैन हो जाएंगे, बेजार हो जाएंगे आप, और फिर वापस अपने पॉजिटिव चीज़ों की तरफ आ जाएंगे आदत होने के बाद।
जब तक आपको खुद से आप कंट्रोल रखकर सेल्फ कंट्रोल एक्सरसाइज करते हुए अपने आप को जो है लेकर चलना है। तो क्या क्या हो गए 3 स्टेप्स? पॉजिटिव थिंकिंग सोच, पॉजिटिव कम्युनिकेशन और तीसरा पॉजिटिव एक्शन। वेरी गुड। चौथा क्या होगा? पॉजिटिव एक्शन हो गया। उसके बाद एनवायरनमेंट, वो तो माहौल है, वो आपके इख्तियार में बहुत कमी है। वो हर किस्म के एनवायरनमेंट में हमको पॉजिटिव रहना है, तो ये फॉलो करना है हमको। कौन बोले, कहाँ से बोले? वेरी गुड, बहुत सही। पॉजिटिव एक्शन के बाद क्या आता है? रिएक्शन। पॉजिटिव रिएक्शन आप जो है अपनी आदत बना लें। रिएक्शन किस तरह का रिएक्शन, क्या बोलना क्या चाह रहे हैं? पॉजिटिव रिएक्शन क्या क्या माने हैं? वेरी गुड, बहुत सही। क्लैप्स, कैन वी क्लैप फॉर हिम प्लीज। आपके साथ जो हो रहा है वो आपके इख्तियार में नहीं है, ठीक है, लेकिन आप कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं ये आपके इख्तियार में, ठीक है। तो कोई नेगेटिव एक्शन कर दे आपके ऊपर, तो आप क्या करें? पॉजिटिव रिएक्शन दें। इसके 2 फायदे हैं। एक तो वो बंदा जो है मुमकिन है कि वो सही हो जाए आपका रिएक्शन, रद्देमल देकर, रिस्पॉन्स देकर। दूसरा ये कि ये यकीनी है, ये आप मुतमईन रहेंगे, आप अपने बिहेवियर से कभी शर्मिंदा नहीं होंगे कि मुझे शायद ये नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो पॉजिटिव रिएक्शन को भी आप अपनी आदत बना लें। ये चीज़ें क्या करने वाली हैं मालूम आपको? ये चीज़ें आपकी बहुत सारी जो है मेंटल एनर्जी को प्रिजर्व करने वाली हैं, बचाने वाली हैं। हम जब नेगेटिव रिएक्शन करते हैं तो सामने वाले चुप बैठते हैं क्या, बताइए मुझे? वो भी रिएक्ट करेंगे, फिर आप रिएक्ट करेंगे, और ये तसादम बढ़ता जाएगा। कब तक चलेगा? जब तक कि आपका बेड़ा गर्क ना हो जाए, आप अपना वक्त ज़ाया ना कर दें, अपना मिजाज ख़राब ना कर लें, तबीयत ख़राब ना कर लें, जब तक ये चलते रहेगा। उससे बचने का बेहतरीन तरीका क्या है? वहाँ से बच के निकल जाना। कोई अगर अभी हम विंस्टन चर्चिल की बात करें तो कुत्ता भौंक रहा है तो क्या करें? आगे बढ़ जाइए, वो पॉजिटिव रिएक्शन है। वो नेगेटिव रिएक्शन क्या है? पलटें, बत्तर उठाएं, उसको डराएं, धमकाएं, ये नेगेटिव रिएक्शन है। इसमें आपका टाइम वेस्ट होता है और आप फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो जब कभी भी आपके साथ कोई घटना घटे, कोई चीज़, कोई मामला हो, तो आपका रिएक्शन जो है पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसा रिएक्शन जिसका जिसके असर कॉन्सिक्वेंसेस पॉजिटिव हों। अच्छा, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि मेरा ये रिएक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव है? आप उसके नतीजे के ऊपर तवज्जो दीजिए। अगर नतीजा आपको पॉजिटिव नज़र आ रहा है तो इसका मतलब ये कि आपका रिएक्शन पॉजिटिव है। कभी कभी आपको नेगेटिव रिस्पॉन्स भी देना पड़ता है, लेकिन वो पॉजिटिव रिएक्शन है, वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है देखा जाए तो। जैसा कि अगर आप सो रहे हैं और आपके घर में जो है चोर आ जाए, आपकी आँख खुल गई, आप क्या करेंगे? अरे बेचारा गरीब है, चोर है। पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव रिएक्शन क्या हो? चोर चोरी भी कर ले, उसकी दिलासा, करवट बदल के सो जाना, अच्छा है। हाँ, जिसे चाबी दे देंगे उसको, ये नुकसानदेह है। ये रिएक्शन जो आपका था, अगर आप ऐसा करेंगे तो ये नेगेटिव रिएक्शन है दरअसल। उस वक्त पर आपका पॉजिटिव रिएक्शन यही है कि आप उठें, उसे पकड़ें और उसे पुलिस के हवाले कर दें, या जो भी मुमकिन उस वक्त पॉसिबल हो, जो भी ज़रूरी हो वो एक्शन आप करें, ठीक है। ये जो है आपका उस वक्त का पॉजिटिव रिएक्शन है, समझ रहे हैं आप? और इसी तरह से आप अप्लाई कर लीजिए अपने अपने एग्जाम्पल्स में कि कब जो है आपका नेगेटिव बिहेवियर भी पॉजिटिव रिएक्शन होता है। कभी कभी जवाब देना भी ज़रूरी है, हमेशा जो है आप चुप नहीं रह सकते। अगर कोई आपको ऊपर बिल्डिंग पर लेकर जाए और बोले आप पॉजिटिव थिंकर हैं, यस, पॉजिटिव कम्युनिकेटर हैं, यस, पॉजिटिव एक्शन, यस, जंप मारो नीचे, तो आप बोले मैं मरूंगा नहीं, पॉजिटिव थिंकर, सोच लिए, बोल भी दिए और एक्शन भी चलो फॉलो भी कर रहे हैं। आउटकम उसका क्या निकलने वाला है? कॉन्सिक्वेंस, उसका आउटकम क्या निकलने वाला है? जाहिर बात है, पहले टांग टूट जाएगी या मर जाएंगे हम, सर फूट जाएगा। तो वहाँ पर पॉजिटिव रिएक्शन क्या है? ये बोलेंगे मैं नहीं कूदूंगा, ये पॉजिटिव रिएक्शन है। बहरहाल, तो आपका रिएक्शन भी जो है पॉजिटिव हो हर सूरत हाल में। खुदा ना खास्ता कभी आपके नंबर कम आ जाएं तो उस वक्त बेदिल होना कोई सोल्यूशन नहीं है, बल्कि आप तैयारी करें, देखें कमी कहाँ रह गई थी और उसका
जो है सुधार करें, आप आगे बढ़िए। ये चौथा है पॉजिटिव रिएक्शन। कभी कभी देखिए इसमें इसमें एक आजमाइश भी होती है हमारे साथ। आप जिस हद तक पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं, रह रहे हैं, उस लेवल के आपके साथ जो है आजमाइशें होंगी, इम्तिहान आएंगे, इससे पहले कि आपको कामयाब जो है डिक्लेयर ना कर दिया जाए। मेक सेंस टू यू? जिस तरह के आपके लेवल्स होंगे ना, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तो फर्स्ट ईयर आप क्रॉस कर दीजिए, डिफरेंट चैलेंजेस सेकंड ईयर के हैं, फिर थर्ड ईयर के और चैलेंजेस हैं, ये तीन जब आप पार करेंगे तो आप क्वालिफाइड ग्रेजुएट कहलाएंगे। तो आपके साथ इस तरह के वाकयात होंगे जब आपको पॉजिटिव रिएक्ट करते रहना चाहिए। ठीक है, चलिए आखिरी क्या होगा बताइए, पाँचवा। हाँ जी, पॉजिटिव वर्क एक्शन में हो गया कवर। अरे गेस करिए, कोई रॉन्ग गेस इज वेलकम। आखिरी है पॉजिटिव लिविंग, LIVING, लिविंग। ये क्या होगा? पॉजिटिव रहना, साफ सुथरा रहना, बिल्कुल सही है, ये भी पॉजिटिव ही है। पॉजिटिव आप सोचते रहेंगे, आप पॉजिटिव बोलते रहेंगे, पॉजिटिव काम करते रहेंगे, पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करते रहेंगे, तो आप वैसे भी पॉजिटिव रह रहे हैं ऑलरेडी। ठीक है ना, ये चार चीज़ें ही करते हैं ना, इसके अलावा और क्या करेंगे? सोच, बोल, अमल और रिएक्ट, और क्या करते हैं? पांचवी है पॉजिटिव लिविंग से मेरी मुराद ये है कि आप हमेशा हाल में रहें, प्रेजेंट में रहें, पास्ट में या फ्यूचर में ना रहें, प्रेजेंट में रहें। आप अगर प्रेजेंट में रह रहे हैं तो ये मिजाज आपका जो है आपको कामयाब कर देगा। आप यहाँ पर क्यों बैठे हैं, कहाँ से आए हैं, आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से आए हैं, बिहार से। आप अपने माजी से आए हैं, आप यहाँ हाल में बैठे हैं जी। आप कहाँ से आए हैं? माजी से आए हैं। कहाँ जा रहे हैं? मुस्तकबिल में जा रहे हैं। अगर आप माजी में वहाँ नहीं होते जहाँ थे, तो क्या हाल में यहाँ होते? नहीं, आप कहीं और होते। तो हमारा हाल डिपेंड करता है हमारे माजी पर। वो आपका दोस्त जो 10वीं जमात फेल हो गया, आपके साथ आज नहीं है यहाँ पर, क्योंकि उसका माजी इस तरह का था, इसीलिए उसका हाल कुछ और है, आज कुछ और काम कर रहा हो। साथ ही साथ आपका दूसरा दोस्त जो कुछ और आपसे शायद अच्छे नंबर लाया है, कुछ और बड़ा काम कर रहा है ना। तो हमारी माजी पर डिपेंड है हमारा हाल। अब ये बताइए कि अगर मुस्तकबिल हमें बदलना है तो क्या बदलेंगे? हमें अपना हाल बदलना चाहिए। हम अपना हाल अगर सही रखेंगे तो हमारा मुस्तकबिल सही होगा। इसका दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं है, दूसरा फार्मूला नहीं है, याद रखिए। ठीक है, हमें अपना हाल बदलना चाहिए, हमें अपना हाल ऐसा रखना चाहिए जो हमें वो हमारे पसंदीदा मुस्तकबिल तक लेकर जाए। हम जो चाह रहे हैं, मकसद हमारा जो है मुस्तकबिल का, उस मुस्तकबिल तक लेकर जाने वाला रास्ता हमारा हाल हो। हम उस हाल में अगर नहीं हैं तो उस मंजिल पे हम नहीं पहुँचेंगे, उस मुस्तकबिल में नहीं पहुँचेंगे। तो पॉजिटिव लिविंग का मतलब है कि आप हाल में रहें, प्रेजेंट में रहें। प्रेजेंट में जब रहें, इसके और क्या माने हो सकते हैं? इसके और माने हैं कि आप माजी में न रहें। माजी में न रहेंगे, इसका मतलब क्या है? बिल्कुल सही है, माजी में जो हादसात हुए हैं उन्हें आप छोड़ दें अब, और माजी में जो आप अचीव किए हैं, जो अच्छे आपके साथ जो है मामलात हुए हैं, उसे भी छोड़ दें। कब तक जो है हम उसको लेकर चलेंगे आगे? अब वो गुजर चुका, इसीलिए गुजर चुका घटना है, वो घट चुकी है ना, हो चुका है, वो पास्ट है। वो हम फिर से उसमें अगर रहेंगे तो जो है हम वहीं के हो जाएंगे। तो जो भी हो, आपके साथ अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है, क्या करना चाहिए? उसे वहीं पर छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। और कब छोड़ना चाहिए? अच्छा, वो जो आपका पास्ट था, अभी जब मैं यहाँ पर आके बैठा था थोड़ी देर पहले, अब वो क्या हो चुका है? अब वो पास्ट हो चुका है। हम जब पॉजिटिव थिंकिंग की बात कर रहे थे, वो अब पास्ट हो चुका है, वो अब वो प्रेजेंट नहीं है। प्रेजेंट में हम पॉजिटिव लिविंग की बात कर रहे हैं। तो आपको प्रेजेंट में इस तरह से रहना है कि पास्ट को उसी वक्त छोड़ दें जब वो चला जाए पीछे। ठीक है, तो हम जो है अपना सफ़र मुस्तकबिल की तरफ अच्छे से लेकर चल सकते हैं। इससे कोई सवाल इसके मुतालिक?
मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक दो सवाल आता, अगर आप सोच रहे हैं तो। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थैंक यू। इसके साथ हम वो पॉइंट भी ऐड कर लेंगे थिंकिंग में, नेगेटिव थॉट्स को हम हटा नहीं पाते, कैसे करें? ठीक है, पास्ट का सोचना भी नेगेटिव थॉट ही है। तो चलिए एक एक्सरसाइज करते हैं, बिल्कुल छोटा सा। मैं ऐसे चुटकी बजाऊंगा, 10 सेकंड का वक्फा आपको दिया जाता है, उसमें आप जो चाहे सोचें सिवाय बंदर के, ठीक है? जो चाहे सोचें सिवाय बंदर को, जानते हैं ना आप लोग बंदर, मंकी, बंदर के बारे में मत सोचिए। चलिए टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए कम बैक। आया बंदर 10 सेकंड के अंदर? आया नहीं आया? नहीं आया, कैसा मैनेज करें आप? कुछ नहीं सोचे तो ये तो सोचे होंगे कि मुझे कुछ नहीं सोचना चाहिए। तो बहरहाल, तो बंदर के ना सोचने के, क्या बोलना चाहिए, इंस्ट्रक्शन के ऊपर आप लोग फुल, आप लोग रियलाइज करें कि बंदर ख्याल में आया ही आया है, सही है ना? आया है ना बंदर? किसी के जहन में नहीं आया तो हाथ उठा दीजिए। एक तो मिल गए, इन्हों दो लोग चलिए बंदर से महफूज रहे। चलिए अब दूसरा एक्सरसाइज नंबर टू। मैं इस तरह से जो है चुटकी बजाऊंगा, जैसे ही मैं चुटकी बजाऊं तो आप कुतुब मीनार को याद करिएगा, कुतुब मीनार, ठीक है? टाइम स्टार्ट्स नाउ। डन? कितने कितने लोगों के जहन में चार मीनार आया, हाथ उठाइए। कुतुब मीनार नहीं आया तो आप यकीनन मुस्तस्ना एक्सेप्शन हैं, क्योंकि बंदर भी नहीं आया आपके जहन में, कुतुब मीनार भी नहीं आया। तो बहरहाल, तो कुतुब मीनार सब सोचे हैं, उनको भी चार मीनार आया। अच्छा, ताजमहल आया आपके जहन में, तो कुतुब मीनार जब सोचे तो कुतुब मीनार आया। अच्छा ये बताइए कि कुतुब मीनार के साथ बंदर कितनों के जहन में आया? 1%। एक शख्स के जहन में बंदर भी आया, कुतुब मीनार पे बैठा हुआ। तो ये देखिए, बात ये है कि आप जब किसी चीज़ को अपने जहन से निकालना चाहते हैं तो वो नहीं निकलती। उसको निकालने का एक तरीका ये है कि दूसरी चीज़ को आप अपने जहन में ला लें। बंदर इस वजह से नहीं आया कि आप कुतुब मीनार के बारे में सोच रहे थे। माजी का कोई बुरी बात आपको, अगर गलत बात या क्या कहें, कोई जो है सैड स्टोरी आपको अगर जो है अवॉइड करनी है तो आप माजी की हैप्पी स्टोरीज को याद करिएगा या प्रेजेंट की हैप्पी स्टोरी को याद करिएगा, तो जो है आपको, आपके जहन से वो जाती रहेगी। हम उसको छोड़ना चाह रहे हैं, मैं बंदर को निकालना चाह रहा हूँ जहन से, बोल तो बंदर तो निकल ही नहीं सकता, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि बंदर को निकालूँ जहन में से। इसी तरह से नेगेटिव थिंकिंग भी अगर बार बार आ रही है तो नेगेटिव थिंकिंग को निकालने का तरीका क्या है कि हम पॉजिटिव थिंकिंग स्टार्ट कर दें, ठीक है? और कोई सवाल? इसमें एक सवाल बनता है दरअसल, मैं खुद पूछ के जवाब दे दूंगा आपको। फ्यू मैं बताया आपको कि जो है आप हाल में जिए, माजी में, मुस्तकबिल में ना जिए, तो सवाल ये बनता है कि हम माजी के गलतियों से कैसे सीखें फिर? अगर हम माजी को छोड़ के आगे बढ़ जाएं तो गलतियों का क्या करेंगे, है ना? एक सवाल बनता है इस तरह का। तो इसका जवाब ये है कि आप माजी में जाएं, माजी में जाना ज़रूरी है, जिस तरह से नेगेटिव मनफी सोचना भी ज़रूरी है, किस हद तक, नमक के हद तक, उसी तरह से जो है आप माजी में भी जाएं, मुस्तकबिल में भी जाएं, लेकिन फौरन लौट आएं। सिर्फ इस हद तक जाएं कि आप वहाँ से कुछ चुन लें, कुछ सबक हासिल कर लें, जो आपसे गलती हो गई थी उसका जो है आप अंदाज़ा कर लें और फौरी हाल में वापस आ जाएं। मुस्तकबिल में किस हद तक जाएं? इस हद तक जाएं कि वहाँ प्लान कर दें कि वहाँ कैसा रहना चाहिए, आप गए तक वहाँ पर, वहाँ देख लें कैसा है मुस्तकबिल, फिर वापस आ जाएं। अगर आप हाल में जिएंगे, मुस्तकबिल में जिएंगे, सॉरी माजी में जिएंगे और मुस्तकबिल में जिएंगे, तो हाल से आप इंसाफ नहीं कर सकेंगे, और अगर आप हाल से इंसाफ नहीं करेंगे तो आपको आपका मकसद वाला मुस्तकबिल जो है नहीं मिलने वाला है। तो ये 5 चीज़ें हैं, पॉजिटिव थिंकिंग, कम्युनिकेशन, एक्शन, रिएक्शन एंड पॉजिटिव लिविंग। और ये पॉजिटिव लिविंग वाला बहुत खूबसूरत है इस वजह से कि ये चारों को इंक्लूड कर रहा है,
और ये सिर्फ हाल को लेकर है। अच्छा, ये तो हो गया, आपके कौन सी कामयाबी की बात कर रहे हैं हम? आप जो मकसद लेकर आए हैं यहाँ पर, उस कामयाबी की बात कर रहे हैं ना? इसके बाद की कामयाबी भी, इसके बाद मैं ये कर लूँगा, मैं आई वॉन्ट टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हाईएस्ट, द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑफ द कंट्री, यहाँ तक मैं जाऊँगा अगर कोई मकसद लेकर यहाँ पर आए हैं, तो वो मकसद को हासिल करने के लिए चार चीज़ें आपके लिए मदद करेंगी इंशाल्लाह ताला। और पांचवा जो है वो खूबसूरत है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं, ये जो है आपकी रूहानी और आपकी उखरवी आखिरत को भी जो है संवारने वाला जो है एलिमेंट है। कौन सा वाला? पॉजिटिव लिविंग वाला। कैसे? एक, अपनी बात को ख़त्म करने से पहले एक बहुत खूबसूरत आयत शरीफ का तर्जुमा आपको बता दूं मैं। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान मजीद में, आगाह रहो, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आगाह रहो कि अल्लाह के जो वली होते हैं, ना उन्हें किसी बात का खौफ है और ना किसी बात का हुज्न है। हुज्न यानी कि गम, सॉरो, सैडनेस, खौफ यानी कि फियर, ये दो भी नेगेटिव हैं, याद रखिए। अच्छा, इसमें क्या कनेक्शन है? जो फियर है, ला खौफ़ुन, खौफ जो है ना, वो किधर का नेगेटिव है? वो किस तरफ का है? प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है? फ्यूचर का है। डर हमेशा फ्यूचर का ही होता है, मुस्तकबिल का। जब मैं यहाँ से जाऊँगा तो क्या होगा, जब ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, ये डर हमेशा फ्यूचर का होता है। डर कभी पास्ट का और प्रेजेंट का नहीं होता। अब क्या होता कि फ्यूचर, और गम हमेशा कब का होता है? गम हमेशा पास्ट का होता है, गम कभी प्रेजेंट का और फ्यूचर का गम नहीं होता। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि जो है ये अल्लाह ताला के वलियों की क्या कैफियत है, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, यानी कि ना उन्हें किसी बात का खौफ है और ना किसी बात का उन्हें गम है। अब ये दो आदतें आप छोड़ देंगे तो वलियों की एक कैरेक्टरिस्टिक आपके पास आ जाएंगी इंशाल्लाह। तो ये आपकी रूहानी कामयाबी भी है। इट इज़ नॉट ओनली द वर्ल्डली बेनिफिट विच यू आर गेटिंग थ्रू दिस पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर एटीट्यूड अपना पॉजिटिव कर लें तो सिर्फ आप दुनियावी कामयाब नहीं होंगे, बल्कि आपकी रूहानी और आखिरत की कामयाबी भी जो है गारंटीड है इंशाल्लाह ताला। So with this, I stop here. I thank the DSW team, the Vice Chancellor, Professor Ali Mahmoud Jaisi Sahab, and the entire team of DSW for giving me this opportunity to talk to you all, fresh minds, into the campus. Thank you so much. Assalamu alaikum.